विद्युत पुरोठा कार्यालय हम आए हुए हैं दबंग मीडिया के माध्यम से। आज का टॉपिक ये चल रहा है रोशन गेट की जो डीपी हटाने के संबंध में। हमने मंदी चौक का जो इंजीनियर है उससे भी बातचीत की है, तो उसने भी बताया था कि भाई यहाँ पर साहब के पास काम हो जाएगा। तो दहीगुड़े साहब से भी बात हुई है, राजपूत साहब से भी बात हुई है, गोंदा वाले साहब से भी बात हुई है। वो जो छोटे हिस्से में वो डीपी को एडजस्ट किया जाने वाला था, रोशन गेट में छोटे हिस्से में उसको लगाकर एडजस्ट कर देंगे, लेकिन कुछ छोटे मोटे नगर सेवक आएंगे उस काम को अगर रोक देंगे तो एक ऐतिहासिक स्थल को कहीं ना कहीं बर्बाद होने का काम किया जा रहा है। तो ऐसा ना करें, छोटे मोटे लोग आएंगे और इतना बड़ा काम अगर रोक देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, और एमएसएमई के अधिकारी को वहाँ से भगा देते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है, वो भी चले जाते हैं, तो ये कहीं तक अच्छी चीज़ नहीं है। काम होते हुए काम को रोकना नहीं चाहिए, होते हुए काम को सपोर्ट करना चाहिए, काम को आगे बढ़कर काम में सामने वाले को उत्साहित करना चाहिए उस काम के लिए, काम को रोकना नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा, अगर इस डीपी हटाने में वहाँ पर कुछ दिक्कत आती है एमएसएमई के अधिकारियों को, हमारी तो बातचीत हुई है वैसा गोंदा वाले साहब से, कोई भी अधिकारियों को वहाँ पर डीपी हटाने में कोई दिक्कत आती है या कोई छोटा मोटा कोई भी नगर सेवक या छोटा मोटा कोई भी लीडर आकर उस काम को अगर हटाता है तो उसमें विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब भी उनका साथ दें, जिला अधिकारी सुनील चौहान भी आकर उनका साथ दें, महापालिका कमिश्नर अभिजीत चौधरी भी उनका साथ दें, ऐसे सब अधिकारी और सीपी निखिल गुप्ता साहब जो कि पुलिस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं पूरा, तो आए ऐसे सब अधिकारी मिलकर उनका महावितरण अधिकारियों को अच्छे से काम करने देते हैं ना, वो भी अच्छे से काम करेंगे। अगर उनको हटाया जा रहा है, कैसी एक डायरिंग बना रखे है, तो ये कई हद तक अच्छी बात नहीं है, किसी को डराने का काम। एक अधिकारी होने के बाद भी वो भी चले जाते हैं, उनकी भी कई भूल चुके हैं कि भाई एक अधिकारी होने के बाद उन पर कोई दबाव डालता है तो वो पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म कर सकते थे, काम हो सकता था अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन अब दबंग मीडिया उनका पूरा साथ देगा और डीपी वहाँ से 100% हटेंगी और हटनी ही चाहिए, और बिल्कुल ये डीपी हटाई जाएंगी और एक ऐतिहासिक स्थल है उसको बर्बाद होने से बचाया जाएगा। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।